लगातार देश में नवीन पाटीदार हूँ। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर हम कल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही किस तरीके से प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। वही अगर बात करें तो जनता के क्या मूड है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सोचते हैं, किस तरीके से उनकी योजना है और क्या उनकी जो बड़ी योजना है उसे लेकर किस तरीके से जनता का मूड है, इस पर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ऐसे ही एक वोटर मौजूद है, उनसे पूछेंगे क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस कमलनाथ शिवराज बीजेपी आएगी या बीजेपी। अच्छा, ऐसा बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी लाडली योजना चालू है, हमारे घर में तीन औरतें हैं तो तीनों को आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, 12 कर्फ्यू योजना पे 12 साढ़े 12 को फिर डल जाएंगे। और बीजेपी सरकार ने सब काम अच्छे किए, रोड भी अच्छे बना दिए, हमारे पिपलो का भी आजू बाजू तीन रोड है, तीनों बना दिए, पिपलो से नालेटा, पिपलो से सुगेड़ा, पिपलो से बोर दिया, और मोदी जी के मकान के 2.5 लाख रुपए भी आ रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया क्या? कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, सड़कें भी नहीं बनाई थी, सत्तर साल हो गए थे हमने, कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मैं खुद पहले कांग्रेस ही था, बीजेपी में आ गया हूँ। अच्छा, और भी वोटर है क्या रहेंगे आप, रुके हमें देख के क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस कौन? कांग्रेस ऐसा कांग्रेस ने क्या किया अभी तक तो पता नहीं लगती। अच्छा, मन के भाव कांग्रेस के हैं, वो बीजेपी लाडली बहना योजना चला रही, खाते में डाल रही, वो असर है क्या कोई? मेरे को तो अभी तक नहीं किया। तो अपने भाभी जी के आए नहीं? आए कब भाभी जी? कटेगा वो? अच्छा, कहीं लाडली बहना है कि कमलनाथ? अच्छा, कमलनाथ। तो मन के भाव कमलनाथ के साथ ही खड़े। भैया भैया कहाँ के हो? नहीं जा रहे थे। अच्छा, क्या इस बार कमलनाथ शिवराज? देखिए, एक बार पूर्व बहुमत से कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। अच्छा, पूर्व बहुमत से। और हमारे जावरा में हरिंद सिंह सोलंकी जी का काफी काम अच्छे हैं उनके, उन्होंने यात्रा निकाली, बहुत संपूर्ण यात्रा थी उनकी और उनका काम अच्छा है, और इस बार पूर्व बहुमत से कमलनाथ जी की सरकार बन। राजन पांडे भी है, फिर इधर जो है जीवन सिंह शेरपुर वो भी है। जीवन सिंह शेरपुर की क्या राय? वो है, वो सब अपनी जगह ठीक है। अगर राजन पांडे है तो ये का आप माहौल देखिए ना, ये सिग्नल देखिए, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, 3.5 लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं यहाँ पर। अच्छा, जावरे में कोई तरक्की नहीं जब से पांडे जी है, तो आप जावरे की तरफ भी देखिए। और दूसरी बात ये है कि आप जावरे की जनता जाग चुकी है और विकास चाहती है। अच्छा, विकास चाहती है, तो इस बार कमलनाथ आई हूँ? इस बार कमलनाथ जी की सरकार आ रही है पूर्व बहुमत से। अच्छा, कमलनाथ की सरकार की बात यहाँ पर कहते हुए दिख रहे हैं, साथ अगर बात करें तो जीजी हमारे साथ। जीजी, क्या इस बार शिवराज सरकार, कमलनाथ सरकार या जीवन दादा कह रहे हैं? हमारे लिए तो यह है कि सरकार हमारे लिए कई सुविधा नहीं करी। अच्छा, नहीं तो मैं छोटे आदमी मेरे साथ हमारे वित्त मंत्री नहीं था, हमारे आदमी भी नहीं है, मैं मजदूरी करी नहीं, पेड़ भर दी। स्थाई है क्या? स्थाई है कई? हाँ, स्थाई आज तक नहीं मिलो? नहीं मिलो। नगर पालिका में काम नहीं किया? मैं तो मैंने नरेंद्र मोदी टंकी दी थी, मैंने सरकार आड़ी थी, विधवा पेंशन तो ऐसी कही? खाली 600 रुपया मिल रहा है। अच्छा, खाली। और ये लाडली योजना रहा तो नहीं पाया मिल रहा, नहीं मार नाना रहा मिल रहा। नगर पालिका परेशान तो नहीं करे? तेलो आगे लो, पाजी लो, रसे नहीं कटे? पुलिस परेशान करे। कहीं मूड कही है कि जनता का मूड कमलनाथ की तरफ है, शिवराज की तरफ है या जीवन दादा की तरफ, की तरफ है? मैंने तो कोई सुविधा नहीं मिली। आपने कहीं नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिली, मैं तो टूटी टापरी में रही थी। मेरा आदमी है, मैं तो सब्जी वैसी पेड़ कर रही थी। आपने एक महिला अपना जो है धंधा पूरा परिवार इस छोटे से ठेले के जरिए लगा रही, जिस तरीके से ठेला यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस तरीके से ठेले के जरिए अपना परिवार का पालन पोषण किया जा रहा है। बाबूजी खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। बाबूजी क्या कहेंगे आप, क्या इस बार कमलनाथ या शिवराज या जीवन दादा किया जा रहा है यहाँ पर? हम तो पहली बार आए, कुछ कह नहीं सकते यार। नहीं तो भी मूड तो हुआ ना, हवा तो बात करती ना यार, की जो इनकी बात कर रही है इनकी बात कर रहे, तो कहीं तो होगा मन में। देखो बीजेपी भी हो, बीजेपी है। अच्छा, सुनने वाला वीरेंद्र सोलंकी नाम ढूंढ रहा नहीं, जीवन दादा का ही एक अच्छा दादा माने बताओ नहीं? हाँ, उनका भी है ना, राजू का भी है, दोनों में से है कोई। अच्छा, देखो काका जी मूली बेच रहे हैं क्या, किस तरह परेशानी आती है आपको? नगर पालिका सर बहुत तकलीफ भी है, तो औरत मेरे को बैठने नहीं दे रही है बेचने में। आप नहीं, नगर पालिका इनका स्थाई के ऐसे फायदे नहीं निपट रहे हैं, नीचे बैठा हुआ ये बच्चा रहे, मेरे को तो औरत बैठने नहीं दे रही, झगड़ा कर रही मेरे से। मतलब आपके खुद के नगर पालिका परेशानी है ना ये, मतलब कि नगर पालिका से कोई परेशानी? नगर पालिका तो अच्छी बात कर रही है, सावधानी से रहो, सफाई रखो। अच्छा, ये लोग नहीं रखते? हाँ, लोग नहीं रखते हैं। क्या इस बार जनता का मूड किधर है, कांग्रेस कमलनाथ शिवराज का? तो मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है, मैं तो बिगर पढ़ा लिखा इंसान हूँ। वोटर तो होंगे ना, क्या वोटर अंगूठा लगा लिया वोटर है ना मेरे को? क्या आज तक सर मेरी बात सुनो, मेरे को घर वाले ने जमीन नहीं दी थी, इस साल जमीन दी, तो ये मुनी बोल में बाजार में आया, मेरे को बेचने नहीं दे रहे, वोट आज तक नहीं डाला?
तो वोट को डाला नहीं है। अरे तो होंगे ना किधर? अरे वोट को डाला है, पहले डालोगे? डालना है, क्यों नहीं डालना है? अच्छा किधर डालना है? ये दूसरा मुंड बन जाओ, उस समय देखा जाओ। वोटर साइलेंट है, वोटर साइलेंट है पूरा, की वो कहना नहीं चाहता कि हम किधर डालेंगे, क्या कहेंगे, क्या मूड है इस बार जावरा की चौपाटी पर हम खड़े हैं। जावरा तो ऐसी समस्याएं तो बहुत सारी है यहाँ की, लेकिन इस बार परिवर्तन की इच्छा है सभी लोगों की। परिवर्तन के रूप में जो है कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। इस बार कमलनाथ जी के जो 15 महीने के समय अवधि में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, और अगर वो पूरे 5 साल अगर सरकार रहती तो निश्चित ही रूप से मध्य प्रदेश में सबसे जबरदस्त सरकार रहती। जैसा क्या परेशानी क्या है यहाँ के मेन मुद्दे क्या, जो भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पाई, आप क्या सोचते हैं? सबसे मेजर चीज नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत है। किसी भी काम के लिए आप पैसे दे दो, कोई जरूरत नहीं, आपका काम हो जाएगा। मेजर भ्रष्टाचार रही, हर प्रकार की परेशानी आती है। आप देख रहे हैं सभी विजेताओं को बहुत परेशानी आ रही, फिर थोड़ी देर में इनको भगा दिया जाता है, क्या कोई इस तरह व्यवस्था नहीं है यहाँ। वीरेंद्र सिंह सोलंकी जीवन आजादी है, जीवन भाई जो प्रचार कर रहे हैं, क्या सोचते हैं दोनों कैंडिडेट को? जीवन सिंह की उनकी जगह सही है, लेकिन निर्दलीय है, निर्दलीय की सरकार बनती नहीं, आप खुद जानते हैं। सरकार कांग्रेस की बनेगी, परिवर्तन की लहर है। वीरेंद्र सिंह जी एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता के रूप में रहे, उनके सक्रियता रही है क्षेत्र में। अच्छा इस बार क्या कमलनाथ या युवराज? नहीं, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। अच्छा परिवर्तन है। श्योर श्योर। अरे वाह, देखा आपने कितना यहाँ पर चौपाटी, इसको ज्यादा चौपाटी कहा जाता है, जहाँ पर हमने आम वोटर जानने की कोशिश करी किस तरह का माहौल यहाँ पर है, जिस तरीके से वहाँ पर हमें आवाज लगा के बुला रहे और पूछ रहे हैं कि क्या माहौल यहाँ पर। हम रिक्शा वाले भैया से बात करें, किस तरह की परेशानी आती है और क्या दिक्कतें यहाँ पर है, अगर ऐसे बात करें तो ऐसा आपको काफी परेशानी आती होगी, क्योंकि रिक्शा चलाते हटाते होंगे ना, पुलिस हटाती होगी, हटाती क्या बोल रहे? पुलिस तो नहीं हटाती है, बस सब्जी वालों ने परेशान कर रखा, और क्या। अच्छा पूरा स्टैंड कर रखा। क्या है इस बार माहौल, क्या जनता का क्या लगता है आपको? कांग्रेस बीजेपी जीवन दादा जो आएगा वो मालूम पड़ा नहीं, वो भी एक वोटर किसका होते ना, किधर जाए अभी तो अपना कोई जजमेंट नहीं। अच्छा नहीं है वोटर तो हो ना? तीनों ही है, और क्या कोई भी आया। अच्छा चलेगा, तीनों काम करने लायक है। मैंने कहा आपने रिक्शा वाले भाई साहब से हमसे उन्हें जानने की कोशिश करी, तो भैया खड़े उनसे पूछेंगे क्या है, किस तरह की परेशानी आती है, क्या माहौल है। भाई साहब आप तो दिन रात बेच रहे, कई लोग आपके पास आते होंगे, किस तरह की बातें करते होंगे, क्या इस बार माहौल क्या है? इस बार हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, राजू भैया खड़े हुए, हमारे बीच की परेशानी दूर हो चुकी है, लेकिन एक परेशानी हो गई जीतने के बाद, हमारी चौपाली पर सब्जी मंडी बना दी चुकी। अच्छा क्या है बीजेपी कांग्रेस जीवन दादा भी देगा? जीवन दादा नाम हमें सुना, हमारा भी है। अच्छा आप भी वोटर हैं? अच्छा क्या टमाटर क्या भाव है? 40 रुपए किलो। 40 रुपए प्याज? प्याज प्याज तो बहुत सुनी है। कितने? 20 किलो। 55 और 60 रुपए किलो। ओहो 55 और 60 रुपए किलो। क्या जी क्या कहना चाहते हैं? बार बार मेरे को बोल रहे हैं ऐसा कह रहे, ऐसा बच्चा उसकी माँ नहीं है, दो बच्चों ने मैंने नहीं पा रही। अच्छा इसकी माँ मर गई 3 साल। सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? नहीं मिलेगा, मैंने कहीं भी नहीं मिलेगा। बच्चा नहीं पा रही। अच्छा कहाँ रहते आप? मैं मंदिर पाड़िया रोड। तो स्थानीय बीजेपी ने कोई आपके लिए कोई लाभ नहीं दिया? अच्छा कोई भी लाभ नहीं मिला, जिस तरह की परेशानी महिला की। काका जी क्या नाम है आपका? सतीश। क्या किस तरह की सरकार इस बार बनता है, मूड दिख रहा जनता का? देखो साहब जिसकी भी बन जाए किसका बल्ले भारी है तो नहीं बता सकते भाई साहब, लेकिन ये वोटर तो होगा आपका, किसी का बल्ले के नहीं कह सकते। यहाँ 3 नाम है, जीवन दादा, वीरेंद्र सिंह और बीजेपी और राजन पांडे की टक्कर हो सकती है। जीवन दादा, जीवन दादा भी ठीक है, उनका चल रहा है, उनका काम बांधते हैं साहब, 100% जीतने के चांस काम से काम से। अच्छा शहर अब देखो सर छोटा सा, आपको किस तरह की परेशानी आती है यहाँ पर? सर कोई परेशानी नहीं आती है सर, क्या अस्थाई है सर, शांति कटा और काम चलाओ। धंधा कर रहे हैं साहब यहाँ, नगर पालिका ने स्थायी देनी चाहिए ना, आप धंधा कर रहे हो तो नगर पालिका देनी चाहिए ना। अब नगर पालिका जाने साहब, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, कभी मांग की मांगने के बाद नेता अभी लगाओ यहाँ पे। अच्छा अभी नए वोटर हैं? नए भैया आप कहाँ के, कहाँ से हो? अरे वोटर तो होंगे। अरे कोई बात नहीं, इधर तो बताओ सर, बात करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या मूड का है इस बार, इंदौर का मूड बताओ? इंदौर का मूड बढ़िया, इंदौर का मेरे घर है इधर मऊ से हो, कहाँ से हो? इंदौर से ही, पूरा इंदौर। कौन कौन वहाँ पर? ये अपने संजय शुक्ला और विजय वर्गीय। तो विजय वर्गीय संजय शुक्ला कौन है इस बार? विजय वर्गीय आएंगे फिर से, आकाश को टिकट नहीं दिया, मन में दर्द तो वो अपने को कोई दर्द नहीं, अपन का काम करने वाले। अरे इंदौर का हो, इंदौर का हमारा किस दर्द होगा? आए आकाश वर्गीय पक्का, और संजय शुक्ला आइए, सब अपने क्षेत्र के ही हैं। क्या भैया मुद्दे हैं, कहाँ के हो आप?
लोकल कहाँ रहते हो? विधानसभा। अच्छा क्या माहौल है? बीजेपी कांग्रेस कौन है? निर्दलीय उम्मीदवार है। जीवन सिंह शेरपुर। जीवन दादा। जीवन दादा। अच्छा ये देखा चेहरे पे जीवन दादा का नाम सुनते जीवन एकदम मुस्कान आ गई इधर एकदम चेहरे पर। क्या माहौल क्या है? माहौल बहुत तगड़ा है। अच्छा बहुत निर्दलीय सबसे भारी बीजेपी ने काम क्या किया है? अच्छा पहली बात तो बीजेपी ने किया क्या है? लाडली बहना है खाते में पैसे हम किसानों की बात कर रहे हैं तमाम तो बात करो 18 साल में अब लाडली बहना याद आई। हाँ पहले कहाँ गई थी लाडली बहना? हाँ पहले कहाँ गई? भांजो 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 और भांजो तो भूल गए वो। अच्छा भूल गए ये तो बहनों को याद भाई ना भांजो बहनों। हाँ और बहने वोट भी देगी। हाँ बहने इस बार देगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट। अच्छा इस बार वोट भी देगी। भविष्य कौन है? बच्चों का भविष्य कौन है? मेरे हिसाब से तीसरा दल आएगा इस बार जावरा से तो नहीं दिल्ली से। वहाँ की सरकार भी वही ना हमारी बन गई कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार बनेगी लेकिन सरकार बनेगी जावरा से। अच्छा जावरा से जनता की सरकार बनेगी और यहाँ से जो जनता का उम्मीदवार है वो वहाँ अपनी आवाज उठाएगा और हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा। वो तो पूरा मेरे को लगता है जीवन दादा की तरफ है। आपके मन के भाव और दिल के धड़कन भी उधर ही है। क्या कहेंगे? बस यही करना तन मन धन से सबके सब तरफ से जीवन दत्ते के साथ है। अच्छा क्यों ऐसा क्या किया जीवन दादा ने? यार हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। हमारे साथ विश्वासघात हुआ था भाजपा सरकार ने करा था। अच्छा 8 जनवरी भोपाल में अंबेडकर मैदान में हम भूख हड़ताल में बैठे थे। हम हमारा आंदोलन नहीं तोड़ पाते। मरते मैं भी मरते हमारे साथ धोखा करा हुआ इसलिए जीवन दादा इसलिए हर प्रकार से जनता की पुकार जनता के युवाओं के लिए बड़ी बात कही है कि जनता की पुकार जनता का उम्मीदवार जिस तरह की बात यहाँ पर वोटर कह रहा है युद्ध कह रहा है तमाम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बात जानने की कोशिश करी साथ ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की जनता का मूल्य मेरे सहयोगी रवि पौरवाल और पवन धागल लगातार आपको अपडेट दिखा रहे हैं और हम इस वक्त जो है जावड़ा की चौपाटी पे खड़े हैं।